तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं सरफेस टैक। सो इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग सर्कल का CC830, जो कि एक बेस्ट बजेटेड गेमिंग कैबिनेट है। इस कैबिनेट को आप यूज करोगे तो आपको कूलिंग के लिए तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर और 5 फैन हम यूज कर सकते हैं। और उसके साथ जो कैबिनेट होता है उसके साथ ऑलरेडी कंपनी 3 फैन तो देती ही है। सो ओवरऑल पूरा कंप्लीट अनबॉक्सिंग देखते हैं और छोटा सा मतलब आप रिव्यू भी समझ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर बॉक्स हमारे आंखों के सामने है। ये जो गेमिंग कैबिनेट है 5000 के अंदर काफी अच्छा और काफी सस्ता और काफी प्रीमियम लुक वाला है। और ये गेमिंग कैबिनेट की काफ़ी अलग अलग खास बात है, जैसे कि टॉप पे हमको एक्स्ट्रा की हार्ड ड्राइव या SSD को अटैच करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर पैनल हमको जो मिलता है वो हमको लैम्बोर्गिनी डिज़ाइन में मिलता है। सो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट है काफ़ी बेस्ट पैकेज है, अगर हमको गेमिंग कैबिनेट लेना है और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने हैं तभी। इसके अंदर और भी कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लैक भी है, लेकिन मेरे को वाइट पसंद था इसके लिए मैंने वाइट को चूज़ किया है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एक स्पीकर है, एक हमको बैक का हमको पैनल मिल जाता है, स्क्रूज अवेलेबल हैं। जब भी हम PC को असेंबल करेंगे तब हमको इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। मानो ना मानो, ये जो अनबॉक्सिंग के टाइम पे कोई भी डिवाइस का ये जो रैपर निकालने का टाइम होता है, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो किस में नहीं मिलता। आहा, ये मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर टॉप पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम SSD और HDD को हम आसानी से अटैच कर सकते हैं, ताकि हम हमारी जो इंटरनल हार्ड ड्राइव या SSD है उसको हम एक्सटर्नली में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर हार्ड ड्राइव या SSD अटैच नहीं करना तो आप सिंपली कोई भी, जैसे कि पेन ड्राइव है, कोई भी छोटी मोटी स्टफ्स आप रख सकते हो सबसे छुपा के। अब बैक में यहाँ पर हमको एक फ़ैन मिल जाता है, एक कैबिनेट के साथ ही आया था, जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट भी जलती है। और SMPS सबसे नीचे हमको अटैच करने का मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा फुल टफन हमको एक पैनल मिल जाता है, जिसको अटैच करने के लिए काफ़ी छोटे से स्क्रूस हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड हमको लैम्बोर्गिनी डिज़ाइन में हमको एक पैनल मिल जाता है, जो कि पूरा का पूरा प्लास्टिक का है। इसको जैसे कि मैं डिटैच करता हूँ तो एक नेट हमको मिल जाता है डस्ट को बचाने के लिए, मतलब डस्ट अंदर ना जा पाए। और यहाँ पर हम 2 एक्स्ट्रा का फ़ैन लगा सकते हैं और बेहतर कूलिंग के लिए। और यहाँ पर फ्रंट में हमको 2 USB मिल जाते हैं, और नीचे की साइड हमको 3 स्लॉट मिल जाते हैं, जहाँ पर हम हमारे जो एक्स्ट्रा के ड्राइव्स हैं वो हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड हम इस फ्रंट पैनल को निकालने के बाद भी और यहाँ पर 2 फैन लगा सकेंगे। नीचे हमको सर्कल की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर जो 3 अलग अलग हम ड्राइव लगा सकेंगे, तो इनको अटैच करना और रिमूव करना भी काफ़ी सिंपल है। आप देख सकते हो, जब भी हमको ज़रूर पड़े तब हमको यहाँ पर लगा सकते हैं, जब भी हमको ज़रूर नहीं तो हम आसानी से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके अंदर भी पूरा के पूरे पैनल के अंदर डस्ट रेसिस्टेंट है, मतलब यहाँ डस्ट अंदर ना जा पावे वैसा पूरा का पूरा कामकाज किया गया है, क्योंकि डस्ट हमारे सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देता है। तो कूलिंग प्लस डस्ट, तो आप समझ सकते हो ये गेमिंग PC आसानी से बन सकता है इसके साथ। और यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा जो टफन है वो यहाँ पर मैं खोल के दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये जब मैंने टफन थोड़े टाइम के बाद यूज़ किया था, तो थोड़े से ज़मीन के डिस्टेंस से ये पूरा का पूरा टूट गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको जब भी आप यूज़ करो काफ़ी आराम से, काफ़ी अच्छी तरह से इसको हैंडल कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो टफन मजबूत भी है और काफ़ी पतला भी है, अप्रॉक्स 5 से 6 mm का ही है ये। तो जितना काम अच्छा है उतना ही आपको संभाल के यूज़ भी करना है, क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ, मतलब पूरा का पूरा भुक्का ही हो चुका था वो, मतलब ख़त्म ही हो चुका था वो। और यहाँ पर लॉक का भी सिस्टम है, जैसे कि DVD रोम लगाते थे तो हमको स्क्रू हमको अटैच करना रहता था, लेकिन सिंपली हम यहाँ पर आसानी से हम इसको अटैच करके हम आसानी से बिना कोई स्क्रू के भी लगा सकते हैं, ताकि वो कम्प्लीट लॉक हो जाए। और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था, ये जो फ़ैन है वो कैबिनेट के साथ आता है,
ये एक फैन है और ऊपर दो और फ्रंट में दो हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो ओवरऑल 5 इस कैबिनेट के साथ लगा सकते हैं ताकि हमको काफ़ी अच्छी तरह से बेहतर कूलिंग मिले। और यहाँ पर हमको 3 SSD के लिए और 3 HDD के लिए हमको स्लॉट्स मिल जाते हैं, मतलब 3 हार्ड ड्राइव और 3 SSD हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और ये जो पूरे के पूरे अटैच करने के लिए हमको मिल जाते हैं प्लास्टिक के पैनल, यहाँ पर मैं आपको एक हार्ड ड्राइव है वो अटैच करके बताता हूँ। यूजुअली जो हमारे पुराने कैबिनेट्स हैं उसके अंदर हमको ये हार्ड ड्राइव या SSD या DVD कुछ भी हमको अटैच करने के लिए हमको स्क्रूज टाइट करने रहते थे, लेकिन इसमें कुछ टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर ये कम्प्लीट फिट हो चुका है और यहाँ पर हमको सिर्फ लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये SSD को लगाना सिंपल है, बस एक क्लिक पे वो लग गया। और सेम उसी तरीके से एक क्लिक पे ये हार्ड ड्राइव भी हमारा लग गया। सेम इसी वे पे ये पूरा का पूरा काम करता है। यहाँ पर इतनी सारी वायर्स हैं, सबसे पहले वाली जो ऊपर से हमको एक साटा केबल मिलती है और पावर केबल मिलती है हमारे ऊपर वाले हार्ड ड्राइव के लिए, दूसरी फैन के लिए है, लाइटिंग के लिए है और बटन के लिए है, USB के लिए है, काफ़ी सारे अलग अलग वायर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें हैं उसके लिए हमको यहाँ पर वायर्स मिल जाती है। सो यही है पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू इसका आप देख सकते हो। अगर इसके अंदर हम पूरे के पूरे RGB वाले फैन लगा देंगे तो काफ़ी अलग और यूनिक इसके अंदर हमको व्यू मिलेगा।